तुम ठीक कह रही हो, मैं बिल्कुल हिम्मत नहीं हारूंगी। नौफल मेरा शौहर है और मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। मुझे यकीन है कि अगर मैं उसे समझाऊंगी तो वो समझ जाएगा। एक बार फिर बात करूंगी उससे। मुझे कुछ सोचना होगा। नौफल की बदगुमानी अब खत्म नहीं होनी चाहिए। हेलो रुचना, तुमने तो कहा था गुल मुझे खुद कॉल करेगी, अब तक उसी कोई कॉल ही नहीं आई। अरे अरे, इतनी बेताबी रुचना, तुम नहीं जानती, तुमने खाक में दबी हुई चिंगारी को हवा दी है। मैं तो उसे भूल चुका था, लेकिन जब से उससे बात हुई है अब उसके बगैर रहा नहीं जाता। आप क्यों रहेंगे उसके बगैर? मैं हूं ना, आप दोनों को मिलवा के ही रहूंगी। तुम मुझे उससे मिलवाओगी? मगर कैसे, उसका तो अब तक कोई फोन ही नहीं आया, उससे तो मेरी कोई बात ही नहीं हुई। लेकिन आज तो आप मिल रहे हैं ना उससे। क्या? गुल यहाँ आई हुई है, मैंने सारा प्रोग्राम बना लिया, बस आपको थोड़ी सी तकलीफ उठानी पड़ेगी। मैं गुल के लिए कोई भी तकलीफ उठाने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, आप मेरे घर के बाहर आ जाइएगा और इंतजार करिएगा। हो सकता है इंतजार थोड़ा ज्यादा करना पड़े, लेकिन मैं जैसे ही मौका देखूंगी ना आपको फोन करके बुला लूंगी, ठीक है? मैं गुल के लिए पूरी रात भी इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। दोनों में ना कोई झगड़ा हुआ है। नौफल भी बगैर नाश्ते के चला गया और गुल भी सुबह से खामोश खामोश सी है। अरे शाला मियां बीवी में ये छोटी मोटी लड़ाई तो नॉर्मल सी बात है, तो क्यों इस बात को इतना सीरियस ले रही है? मसूद, गुल बहुत ज्यादा परेशान है। छोटी मोटी कोई बात हो तो इतना परेशान नहीं होना चाहिए। और उसने रुचना को बुलाया हुआ था, नौफल की शिकायत कर रही थी उसे। नौफल की? नहीं नहीं, नहीं बात नहीं मान सकता। पहले तो गुल नौफल की किसी से शिकायत कर ही नहीं सकती, और वो भी रुचना से। मसूद, मैंने खुद सुना है, वो कह रही थी कि इसने ये क्या तमाशा बना रखा है, जब दिल चाहा अपना लिया, जब दिल चाहा छोड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम। मैं गुल से मिलकर आती हूँ। वैसे मेरा ज़हन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता, कोई इतना बड़ा मसला होगा नहीं। ओहो, तो मैडम जी पिया जी के आने का इंतजार कर रही हैं? हाँ हाँ, नौफल को मैं तैयार अच्छी लगती हूँ ना, इसीलिए। ये चूड़ियाँ अच्छी हैं ना? बहुत प्यारी लग रही हो, देखना तुम नौफल को ज़रूर मना लोगी। सच बताऊँ गुल, तो मुझे लगता था मैं नौफल के काबिल हूँ, लेकिन मैं नौफल के काबिल नहीं थी, इसलिए तो उसकी मोहब्बत को ठुकरा के चली गई। मगर तुम उससे बहुत प्यार करती हो और वो तुमसे बहुत प्यार करता है, और मैं इस बात को दिल से तस्लीम कर चुकी हूँ और खुश हूँ कि तुम लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश हो। तुम देखना रुचना, तुम्हें नौफल से भी ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान मिलेगा इंशाल्लाह। हाँ अच्छा, ये बताओ नौफल आता कब तक है, ताकि मैं उसके आने से पहले चली जाऊँ, तुम लोग को टाइम मिले अकेले में। बस शाम हो गई तो आते होंगे। चलो ठीक है, फिर मैं जाती हूँ। खुदा हाफिज़।